हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके चहरसा टेरेस गार्डन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्यारे से फूल ओलियंडर के, जिसे कनेर भी कहा जाता है। आज इसी भी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लाएं और इसकी देखभाल कैसे करें। ये देख सकते हैं मेरे कन्या ने ओलियंडर का पौधा, ये मैंने नर्सरी से ख़रीदा नहीं है, इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है। अगली से 2019 को मैंने नवंबर दिसंबर के महीने में, नहीं सॉरी, मैंने बारिश में ही लगाया था। यानी पूरा ये एक साल पुराना पौधा है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। अगले साल बारिश के दिनों में मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी और आज ये पौधा इतना बड़ा हो गया है। ये सब मुझे गर्मी के दिनों में ही नहीं फूल देता है, ये गर्मी और ठंडी बारिश में ही देता है। कहते हैं ठंडी में ये डोमेस्टिक मोड में चला जाता है, पर मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि इसने तो मुझे ठंडी में भी फूल दिए हैं। ये छोटा सा पौधा था तब भी ये ग्रो करता था। ये दोनों पौधे देख सकते हैं, ये दोनों एक मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर फूल है और कितने सारे गुच्छों में खिले हुए हैं, ये कितना प्यारा लगता है। हाँ चलो, तो चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। इनको मैंने पॉट में लगाया हुआ है, ये एक मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और एक मैंने टूटी हुई एक ब्लैक कलर की बाल्टी है उसमें लगाया हुआ है। जैसे कि वन अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ज़मीन में ये बहुत ऊँचा जाता है, अच्छा ग्रो करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इसको गमले में नहीं लगा सकते, पर इसके लिए गमला बहुत भरा चाहिए। जैसे कि ये पौधा मैंने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है, पर इसकी पूरी रूट बाउंड हो गई है। ये नहीं, ये बड़ी बाल्टी में लगा हुआ है, ये जो साइड में रखा हुआ है उसकी। तो आज इसकी मैं मिट्टी भी, सॉरी, इसका गमला भी चेंज करने वाली हूँ। तो बात करते हैं इसकी गमले के बारे में। गमला जितना ज़्यादा भरा होगा ये उतना ही अच्छा रहता है हमारा। कम से कम 14 इंच से भरा हमें इसके लिए गमला लेना है। मैं तो बड़े गमले में नहीं डालती, मेरे और भी पौधे हैं जिनको मैं बड़ी बड़ी बाल्टियाँ आती है ना कलर वाली, उनमें डालूंगी। अभी मेरी कई बाल्टियाँ खाली हुई है कलर की, तो मैं उनमें डालने वाली हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के इतने भरे पॉट तो मिलते नहीं हैं। तो आपके पास जो भी भरा गमला है या बकेट है, जो भी ड्रम वगैरह आते हैं ना, उनमें भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। हाँ, इनके लिए हमें गमला भरा लेना है। बहुत ईजी टू ग्रो है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप जितनी भी गर्मी में रख दें ये पौधा मरता नहीं है, जबकि ये गर्मी बारिश ठंडी 12 महीने इसने मुझे फूल दिए है। हाँ, बारिश में इसने बहुत ज़्यादा फूल दिए, बहुत ही प्यारा पौधा है। अब कटिंग की बात करें तो इसकी कटिंग बहुत इजी लग जाती है। बस एक छोटी सी डंडी कहीं से आप तोड़ के लाइए और पानी में ग्रो कीजिए। मैंने इसको कभी मिट्टी में नहीं ग्रो किया है, मिट्टी में तो ग्रो हो जाती है, पर मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत कम बनती है। मैं हमेशा इसमें पानी में ग्रो करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, बस इसकी डंडियाँ तोड़ लेती हूँ और मिट्टी में डाल देती हूँ। ध्यान रखना है ये हमें सख्त डंडी लेनी है, जो पुरानी डंडी हो, कम से कम पौधा 1-2 साल पुराना हो, तभी उसकी कटिंग ग्रो होती है। मैंने भी इसकी कटिंग ग्रो की हुई है, वीडियो में आपके साथ मैं शो करूँगी आगे, जो रेड कलर के जिसमें फूल है। वैसे मेरे पास इसमें सिंगल पेटल भी आता है, डबल पेटल भी आता है। ये मेरे पास डबल पेटल है। ये देख सकते हैं वाइट और पिंक का शेड है, ये डार्क पिंक है, और दूसरा जो मैंने कटिंग से लगाया हुआ है वो लाइट पिंक और वाइट कलर का है। ये देखिए, ये कटिंग मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने ग्रो की है। इसमें छोटे से रेड फूल आते हैं, ये मैं कहीं से लेके आई थी, हम पेट्रोल पंप में गए थे वहीं से मैंने रेड कलर की ये कटिंग ली थी। ये मेरी ग्रो भी हो गई है, ये देखिए। ये मैं आपका वीडियो नहीं दिखा पाई जब मैं इसको कटिंग से लगा पा रही थी। बस कुछ भी नहीं करना है, इसकी डंडियाँ लेनी है और पानी में हमको रख देना है। इसकी जड़ें 8 दिन के अंदर आ जाती है। इसको तो 15-20 दिन हो गए हैं, आज मैं इनको लगाने वाली हूँ गमले में। बहुत ही अच्छी तरह इसमें जड़ें आ जाती है, कुछ भी नहीं करना है, पानी में डाल के कहीं साइड में रख दीजिए। हाँ, 2-2 दिन में इसका पानी हमें चेंज करना है और अपने आप ये ग्रो हो जाती है। तो बात करते हैं इसको ज़्यादा फूल कैसे पाएं। मुझे नहीं लगता है इसमें हमें बहुत सारी खाद, जैसे मैं बोलती हूँ वर्मी कंपोस्ट डालिए, ये डालिए, वो डालिए, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। मैं सच्ची बताऊँ कि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। हाँ, रोज़ का जो मैं बनाती हूँ सब में डालती हूँ, तो इसमें भी डालती हूँ, पर इसमें अगर हम इसमें ज़्यादा लिक्विड अगर भी नहीं डालेंगे तो भी हमें ये फूल देता है। ये ऐसा पौधा है कि हम इसमें या ना ये खाद डालेंगे, गोबर खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो ही ये फूल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये ऐसा पौधा है बिना देखभाल के भी ये चलता है। जहाँ जो लोग बिगनर है और उनको अभी पौधे लगाने नहीं आते या उनको कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती, तो उनके लिए तो ये एक वरदान है। कुछ भी नहीं करना है, रास्ते में बहुत सारे हमारे कनेर होते हैं, बस उसकी कटिंग तोड़िए और पानी में डाल दीजिए। हाँ, कटिंग ज़्यादा आप ग्रो कीजिए, 6-7 कटिंग कीजिए, लेकिन मैं 100% गारंटी देती हूँ इसकी सारी की सारी कटिंग पानी में ग्रो हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ तो इसकी अच्छी होती है। और ये हमेशा कटिंग से ही लगता है, ये कभी सीड से नहीं लगता है, मैंने कभी सीड से नहीं लगाया है। तो खास करके जो बिगनर है उनको वो तो कटिंग से ज़रूर लगाएं, कुछ भी नहीं करना है, पानी में डालना है। बहुत प्यारे फूल आते हैं, और जब इसकी जड़ें आ जाए बस हमें इसको एक अच्छी सी वेलडन मिट्टी तैयार करनी है। जैसे मैं रोज़ बताती हूँ आपको, 50% गार्डन सोइल, 30% रेत और 20% वर्मी कंपोस्ट। कुछ भी नहीं करना है, बस एक गमले में डाल दीजिए, आपके पास फिलहाल 10-12 इंच का गमला है उसमें डाल दीजिए। जब इसकी 1 साल के बाद रूट बाउन हो जाए तो भरा गमला दे दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही अच्छा पौधा है। अब बात करते हैं धूप के बारे में। धूप तो इसको जितनी ज़्यादा दें उतना ही अच्छा है, कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप दें। गर्मी में ये मेरा पूरा खुले आसमान में भरा था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इतने ही फूल दे रहा था। सच बोलती हूँ, जितने गर्मी में दिए जितने ठंडी में दिए उतने वो बारिश में भी फूल देता है, यानी बहुत ईजी टू ग्रो है। तो खास करके बिगनर ये पौधा ज़रूर लगाएं, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत इस पौधे से करें। जो भी कलर मिलता है इसमें, कई सारे कलर होते हैं, मेरे पास 2-3 कलर हैं जो आगे चलकर मैं आपके साथ शो करूँगी। तो आज के लिए इतना ही।